लॉकडाउन के दौरान सोमवार के दिन प्रवीय टोला सेक्टर पर इटावा में डॉक्टर ज्योति वर्मा जिला मंत्री भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर ज्योति वर्मा ने अपने बूथ पर उनके नाम से वृक्षारोपण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर हम सबको चलना चाहिए। इस अवसर पर नगर प्रथम उपाध्यक्ष श्रीमती मनोरमा वर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी राजनीतिक तथा महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने कश्मीर को लेकर नारा दिया, एक देश दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। देखिए इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्या अध्ययन के क्षेत्र में बहुत विद्वान थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। जिस समय वह कुलपति बने उनकी आयु मात्र 33 वर्ष की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र सेवा का बीड़ा उठाया और स्वतंत्रता से स्वयं अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया, परंतु विडंबना यह है कि तत्कालीन सत्ता सरकार के खिलाफ जाकर उन्होंने सच बोलने की जो जरूरत की उसकी कीमत उन्हें अपनी जान लेकर चुकानी पड़ी। और हम भारतवासियों का दुर्भाग्य कि आज तक भी हम उनकी इस मृत्यु के पीछे का रहस्य जानने में नाकामयाब रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए सिंह गर्जना करते हुए कहा था, एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी माँ भारती के सच्चे सपूत थे। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन प्रदान कर दिया और संपूर्ण जीवन देश सेवा को अपना समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, उनकी कही हुई बातों को हमें मानना चाहिए। आज हम सभी यह प्रतिज्ञा लें और यह प्रण लें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिए गए आदर्शों पर हम चलेंगे और उनकी बातों को सदैव अपने मन में याद रखेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को